गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने डेवऑप्स का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि यार लिंक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, यूजर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और उसके साथ साथ मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट क्या होता है जेनकिंस के अंदर। तो जेनकिंस की आज लगभग जितने भी बुनियादी पॉइंट्स हैं वो सारे आज हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले के जो दो लेक्चर, मैं ऑलरेडी तीन लेक्चर जेनकिंस के ऊपर डाल चुका हूं, तो जेनकिंस की जो भी डिटेल्स हैं, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सारे आज कवर हो जाएंगे। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने कवर किए हैं, और उसके बाद आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जेनकिंस जो है वो उबुंटू के ऊपर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि सर जेनकिंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विंडो पे तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ठीक है, अगर आप विंडोज पे इस्तेमाल नहीं करते तो आपको मैं उबुंटू पे भी इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ईजी वे में दिखाऊंगा, नो नीड टू वरी। बट आज जो बुनियादी बातें जेनकिंस की रह गई हैं, आज हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लिंक प्रोजेक्ट्स। लिंक प्रोजेक्ट से मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि सपोज आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है या जॉब है, जो हमने जॉब क्रिएट की थी जॉब ए के नाम से, माय फर्स्ट जॉब, माय सेकंड जॉब, इस तरीके से जो हमने जॉब क्रिएट की है उसको हम लिंक कर सकते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल कि ये मेरी जॉब ए है और ये मेरी जॉब बी है, या फिर ये मेरी माय मेवन जॉब है, फॉर एग्जांपल माय मेवन जॉब, तो हम इन्हें लिंक कर सकते हैं। लिंक करने से मतलब क्या है कि जैसे ये काम पूरा हो इसके बाद ये काम अपने आप स्टार्ट हो जाए। बात समझ आ रही है? तो लिंक का मतलब यही है कि हमारा एक काम पूरा होते दूसरा स्टार्ट हो जाए, दूसरा पूरा होते तीसरा स्टार्ट हो जाए, मैं इसके बाद आगे एक और लिंक कर सकता हूं। तो ये चेन बना सकते हैं कि पहला काम पूरा होते दूसरा पूरा होते तीसरा, अपने आप। इसी को तो ऑटोमेशन बोलते हैं, और यही तो हमें अचीव करना है डेवऑप्स की हेल्प से। तो यहां पर इसको लिंक प्रोजेक्ट के अंदर रखा जाता है, और यहां पे बुनियादी तौर पे दो टाइप के आपको लिंक प्रोजेक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा अपस्ट्रीम और एक आपको मिलेगा डाउनस्ट्रीम। दो तरीके के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। ये दोनों में अगर आप ये कहें कि सर दोनों में फायदा कौन सा है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा ज्यादा बुरा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है कि मर्सिडीज की भी कार अवेलेबल है, बीएमडब्ल्यू की भी अवेलेबल है। अब आप मुझसे ये पूछें कि मर्सिडीज अच्छी है बीएमडब्ल्यू, मैं कहूंगा दोनों अच्छी है, आपकी अपनी चॉइस है। ऐसा ही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, दोनों का पर्पज यही है लिंक करना इस प्रोजेक्ट को इसके साथ। बस तरीका अलग है, अप्रोच अलग है। ठीक है, अब उस अप्रोच को जरा समझ लेते हैं कि वो अप्रोच क्या है। तो देखिए, आपके पास दो चीजें, एक है आपके पास अपस्ट्रीम रिलेटेड लिंक प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है आपके पास वो है डाउनस्ट्रीम लिंक प्रोजेक्ट्स। दोनों ही अपस्ट्रीम लिंक प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं आप इन्हें, और इसको आप डाउनस्ट्रीम लिंक प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं प्रोजेक्ट्स के, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा? अपस्ट्रीम का मतलब यह है कि यहां पे जो पहला बंदा होगा वो एक्टिव होगा और वो दूसरे को बताएगा। कहने का मतलब यह है कि सपोज मेरे पास दो प्रोजेक्ट हैं, ये मेरी जॉब ए है और ये मेरा माई मेवन जॉब है। ठीक है, माई मेवन जॉब या माई मेवन प्रोजेक्ट। तो यहां पे जॉब ए जो है वो अपना काम पूरा होने पे दूसरे बंदे को बताएगा कि मेरा काम पूरा हो गया, अब आप अपना स्टार्ट करें। यानी अपडेट कौन कर रहा है? ये बंदा कर रहा है, जॉब ए कर रहा है। इसको ट्रिगर कौन करेगा? इसको ट्रिगर मैं ही करूंगा। ऑफ कोर्स मेरा यूजर जो है, एडमिन जो है, वो ट्रिगर करेगा जॉब ए को, वो स्टार्ट करेगा, पर वो माई मेवन जॉब को स्टार्ट नहीं करेगा। जॉब ए का जैसे ही काम पूरा हो जाएगा वो माई मेवन जॉब को बताएगा कि अब आपने अपना काम स्टार्ट करना है। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि आपके पास यहां पर एक ऑप्शन होता है पोस्ट बिल्ड एक्शन का। कॉन्फिगर के अंदर आप जॉब के अंदर जाएंगे तो यहां पर होगा पोस्ट बिल्ड एक्शन, यानी बिल्ड होने के बाद। पोस्ट का मतलब बाद, प्री का मतलब पहले होता है, पोस्ट का मतलब बाद में होता है। तो पोस्ट बिल्ड एक्शन का मतलब है कि आपका काम होने के बाद आप कौन सा काम या काम करवाना चाहते हैं। तो आप जॉब ए के पोस्ट बिल्ड एक्शन में जाके आप मेंशन करेंगे ये नाम माई मेवन जॉब, यानी आप इसको बता देंगे कि जैसे ही मेरा ये काम पूरा हो जाए, जॉब ए पूरी हो जाए, आपने किसको इन्फॉर्म करना है? माई मेवन जॉब को इन्फॉर्म करना है और उसका काम स्टार्ट कराना है। यानी जिम्मेदारी किसकी है? इस पहले बंदे की है, जॉब ए की है। ठीक है, इसके अपोजिट यहां पे होता है, यही फर्क है दोनों में। दोनों का अच्छा बुरा कुछ नहीं है, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। यहां पे आप जॉब ए के अंदर जाके इसका नाम मेंशन करेंगे पोस्ट बिल्ड एक्शन में।
ताकि जैसे ये काम पूरा हो जाए जॉब ए का, ये अपने आप माई मेवन जॉब का काम स्टार्ट करा देगा, क्योंकि आपने इसके अंदर ये चीज मेंशन की हुई है। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, यहां पे भी आपके पास सपोज दो जॉब चल रही है, लेकिन अब की बात अगर ये जॉब ए है और ये माई मेवन जॉब है फॉर एग्जाम्पल, तो होगा ये कि मैं जॉब ए के अंदर जाके मेंशन नहीं करूंगा, मैं माई मेवन जॉब के अंदर जाके मेंशन करूंगा कि भाई जैसे ही जॉब ए का काम पूरा हो जाए आपने अपना काम स्टार्ट करना। यानी अब कौन नजर रखेगा, अब इस बंदे ने नजर नहीं रखनी, इस बंदे ने इसको नहीं बताना, ये दूसरा बंदा खुद ख्याल रखेगा कि जैसे ही काम पूरा हो मैंने अपना काम स्टार्ट करना। समझ आ रही है बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप ये समझे कि अब आप कॉलेज के अंदर होते हैं और सपोज करें कि हम लोग इम्तिहान दे रहे हैं और इम्तिहान में एक बंदा आगे बैठा है एक बंदा पीछे बैठा है, तो जब हम चीटिंग कर रहे होते हैं तो दो किस्म के लोग होते हैं। एक ऐसा होता है जो अपनी चीटिंग करने के बाद दूसरे को पर्ची दे देता है, ले अब तू कर ले, है ना। तो ये वाला तो ये केस है कि इसने अपना काम पूरा किया और चीटिंग की पर्ची इसको दे दी कि ले अब तू अपना फर्रे से, जो फर्रा बोलते थे हम तो उसको, तो आप तू उससे अपना काम कर ले। और दूसरा किस्म का बंदा क्या होता है, वो पीछे से ना उसको सुई चुबाता रहता है, पेन चुबाता रहता है, अबे बताना जल्दी से, तेरा काम नहीं हुआ अब तक, कितनी देर लिखेगा, अबे सारे नंबर तू ही लाएगा, जल्दी से पर्ची दे, मौका नहीं है अभी, फिर टाइम खत्म होने वाला है, वो उसके पीछे पड़ा रहता है। तो जैसे ही उस बंदे का काम पूरा होता है वो पर्ची उससे छीनता है और अपना लिखना शुरू करता है। यानी यहां पे एक्टिव कौन है, पीछे वाला बंदा, पीछे वाला बंदा उसको एक्टिव है और वो उसको सुई चुबाए जा रहा है, तो जल्दी से अपना लिख के दे, मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है। तो वो ये वाला बंदा है, ये इस पे नजर रखे हुए कि तो जल्दी से अपना काम निपटा और मेरे को भी करना है। तो दोनों किस्म में काम आपके देखो दोनों तरफ से हो रहे हैं, चाहे आगे वाला बंदा आपको पर्ची दे दे तब भी हो रहा है, चाहे आप उससे पर्ची ले लें तब भी काम आपका हो रहा है। दोनों ही चीजों में आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन तरीका अलग है, अप्रोच अलग है, ठीक है ना। पहले वाले में बंदा बड़ा नेक दिल आदमी था, उसने चीटिंग करके खुद ही आपके हाथ में पर्ची पकड़ा दी, और दूसरे बंदे ऐसे होते हैं निकम्मे टाइप के, वो चाहते हैं 100 के 100 मेरे ही आ जाएं, है ना, वो आपको पर्ची नहीं देते, वो पहले अपने ही लिखते रहते हैं और पीछे से आप लगे रहते हो, अबे भाई मुझे भी लिखने दे 10-20 नंबर का, ठीक है। तो आप कहेंगे आपने बड़े फर्रे चलाए हैं। तो खैर कहते हैं ना कुछ चीजों में दगाबाजी भी जरूरी है ना। तो खैर अच्छी बात है, वैसे देखिए चीटिंग करना, मेरा ख्याल है कि कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने इश्क नहीं किया, आपने नकल नहीं की और आपने एक दो बार प्रोफेसर से झड़प नहीं की, तो फिर आपकी कॉलेज की लाइफ बेकार है। चले अच्छी बात है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए, अप स्ट्रीम का क्या मतलब है, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है। मैं यहां पे अब आपको स्टेप नहीं लिखा रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, बजाय इसके कि मैं स्टेप्स में अपना टाइम जाया करूं, आप सीधा लैब पे चलें, लैब देखें, लैब में कैसे मैं काम कर रहा हूं, कौन कौन से स्टेप्स को मैं फॉलो कर रहा हूं, और क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। ये मैं जेनकिंस की बात कर रहा हूं, पहले ये भी बता दूं जिन बंदों को कोई डाउट है, अभी लेक्चर हमारे जेनकिंस के चल रहे हैं, इससे पिछले 2-3 लेक्चर भी जेनकिंस के हैं और ये वाला भी हमारा जेनकिंस का लेक्चर है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। तो अब हम सीधा लैब पे चलते हैं और इन दोनों कामों को करके देखते हैं। तो लो जी आ गए हम अपनी लैब के ऊपर और आज हमें करके देखना है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की, कैसे ये सब करते हैं, कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, बड़ी सारी बुनियादी बातें आज हमें जेनकिंस के बारे में पढ़नी है। बोर्ड पे ऑलरेडी सब कुछ डिटेल में समझा चुका हूं, तो अब जरा लैब पे हैंड्स ऑन करके देख लेते हैं। आई होप जेनकिंस के ट्यूटोरियल आपको समझ आ रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहे होंगे, कोई मसला आपको नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले जेनकिंस के अंदर आपने अपने होम पेज पे आना है, अगर आपको नहीं पता कैसे लॉगिन करना है तो लोकल होस्ट :8080 आप गूगल क्रोम में जाके करेंगे तो आपका जेनकिंस का पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करना है आपको अपने आईडी पासवर्ड डाल के, और उसके बाद यहाँ पे न्यू आइटम आपको नज़र आ रहा है, न्यू आइटम पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं नाम दे देता हूँ जॉब ए, और ये नाम देने के बाद मैं कहता हूँ कि यार एक काम करो, इसको ना आप कॉपी कर लो। किससे कॉपी करना है, मैं कहता हूँ माई फर्स्ट जॉब से, इससे आप कॉपी कर लो और ओके कर दो। तो मैंने इसे कॉपी करके ओके कर दिया है, तो ये ओके हो गया है। इसके बाद अब मैंने कुछ नहीं करना, मैं इसको जस्ट एज इट इज़ देखें, यहाँ पे ना ये अपने आप कॉपी हो गया होगा, इको हेलो जो कमांड है सब कुछ कॉपी हो गई है। तो आप सेव कर दें, तो ये आपका सेव हो गया है। बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं, डैशबोर्ड पे आ गए, जॉब ए मुझे नज़र आ रहा है। इसको अब हम अभी बिल्ड नहीं करते, अब हम इस पे जाके ना यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और यहां आपको देखो कॉन्फ़िगर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें।
अब यहां पे देखें आप ना, जब नीचे आएंगे तो आपको यहां एक ऑप्शन नजर आएगा पोस्ट बिल्ड एक्शन, यानी भैया बिल्ड होने के बाद हमने क्या काम करना है ना। तो हमें वही तो बताना है कि जैसे ये काम पूरा हो जाए आपने दूसरे को इत्तला करनी है कि भाई मेरा काम पूरा हो गया, अब आप अपना काम स्टार्ट करो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम किसी प्रोजेक्ट में भी करते हैं, या सपोज करें घर में आपकी मम्मी खाना बना रही हैं तो खाना बनते ही वो आपको आके इन्फॉर्म करती हैं खाना बन चुका है अब आप खा लें, है ना। तो ये पहला काम हो जाए तो दूसरा काम करना होता है, खाना बन जाए तो दूसरा काम खाने का ही होता है। तो ये कुछ ऐसा ही है। तो ये यहाँ पे पोस्ट बिल्ड एक्शन में आप यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे ना आप तो आपको बड़े सारे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए यहाँ पे ना आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, बिल्ड अदर प्रोजेक्ट, आप इस पर क्लिक करें। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं कहता हूँ जी मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो आपने क्या लेना है। और यहाँ पे देखिए ट्रिगर ओनली इफ बिल्ड इज स्टेबल। तो यहाँ पे अभी कोई प्रोजेक्ट हमने डिसाइड नहीं किया, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे माई फर्स्ट जॉब हम यही ले लें, या हम माई मैवन जॉब भी ले सकते हैं, मैवन वाली जॉब, मैवन जॉब ले लेते हैं। हम कहते हैं जैसे ये काम हो जाए आपने मैवन जॉब स्टार्ट कर देनी है। कॉमा लगा होगा इसे आप हटा दें, तो मैवन जॉब आपका हो गया, कॉमा हटा दिया मैंने। और ये यही रहने दें ट्रिगर ओनली इफ बिल्ड इज स्टेबल, और ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड फेल्स। तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम कहते हैं भाई बिल्ड स्टेबल हो तभी ये काम करो, जब खाना बना ही नहीं है तो फिर खाएगा कौन। तो अगर पहला काम हो जाए तभी दूसरे के लिए इत्तला करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये करने के बाद आप सेव कर दें। अब आप दोबारा बैक टू डैशबोर्ड जाएं। यहां पे जो जॉब ए है, अब मैं इसको यहां पे जाके बिल्ड करता हूं, और जैसे ये काम पूरा होगा ये अपने आप ट्रिगर कर देगा माई मैवन जॉब को। तो वो काम देख लेते हैं। देखें आप ये काम जैसे ही हो गया मैवन जॉब क्यू में है अभी यहाँ पे आप देखें, और जैसे ही वो काम पूरा होगा मैवन जॉब अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे ना, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये देखें मैवन जॉब स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही पहला काम पूरा हुआ ये अपने आप देखें जॉब ए 12 सेकंड पहले पूरी हुई है, मैवन जॉब अपने आप स्टार्ट हो गई। तो यानी पहला काम होते ही दूसरा काम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये इस पे आई डोंट नो मेरे लैपटॉप पे कुछ एरर आ रहा है इसमें, बट बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि उनके सिस्टम पे सक्सेसफुली ये जॉब जो है काम कर रही है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आपका काम बढ़िया होना चाहिए, मेरा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको समझ आ रहा है ये सबसे अच्छी बात है। तो देखिए ये आपको काम समझ आ गया, जैसे जॉब ए का काम पूरा हुआ मैवन जॉब अपने आप स्टार्ट हो गया। ऐसे ही आप इसे सीक्वेंस में कर सकते हैं, ए के पूरा होते बी काम स्टार्ट हो जाए, बी के पूरा होते सी काम स्टार्ट हो जाए, सी के पूरा होते डी काम स्टार्ट हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं। तो अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो लो जी अब हम बात करते हैं अपने डाउन स्ट्रीम की, कि डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं और कैसे किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप न्यू आइटम पे क्लिक करें, और यहां पे अब की बार आप अपनी जॉब को नाम दे दें जॉब वाई। और इसे नाम देने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी किससे करना है, आप इसे कॉपी कर लें माई फर्स्ट या सेकेंड जॉब से। ओके कर दें आप, तो ये दिखाएगा कि उसमें क्या क्या कॉपी हुआ है। तो है इको नमस्ते वाली कमांड कॉपी हो रही है, इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड जाते हैं, तो देखें आपकी जॉब वाई क्रिएट हो गई है। जॉब वाई क्रिएट होने के बाद आपने कुछ नहीं करना, अब आपने अपनी ना उस जॉब पे जाना है जिसे हम ट्रिगर कराना चाहते हैं काम पूरा होने पर। तो क्योंकि डाउन स्ट्रीम का काम है मैं आपको थ्योरी में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो मैवन जॉब पर आप जाएँ, कन्फिगर पर आप क्लिक करें, और यहाँ पर देखें आपको ना एक ऑप्शन नज़र आएगा। वो ऑप्शन क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्ड ट्रिगर। यहां पे देखें आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट। इसमें अगर आपको नहीं समझ आया आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें तो ये बताएगा कि सेट अप अ ट्रिगर सो दैट व्हेन सम अदर प्रोजेक्ट्स फिनिश बिल्डिंग अ न्यू बिल्ड इज शेड्यूल्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, दिस इज कन्वीनियंट फॉर रनिंग एन एक्सटेंसिव टेस्ट आफ्टर अ बिल्ड इज कंप्लीट। तो ये इस पर डिटेल इन्होंने बताई हुई है कि भैया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही एक बंदे का काम पूरा हो जाए तो आप खुद उससे पूछेंगे, आपने खुद पूछना है भाई आपका काम पूरा हो गया या नहीं हुआ। अगर आपका पूरा हो गया तो मैं अपना काम स्टार्ट करूं। कई बार होता है ना एक काम पूरा होने पे ही दूसरा काम हो पाता है। अब जैसे घर में आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, जब आप बार बार जाते हैं मम्मी खाना बन गया मम्मी खाना बन गया, अब वो जैसे ही कहती है हाँ खाना बन गया आप एकदम से खाने पर टूट पड़ते हो और खाना खा लेते हो। तो जब तक खाना बना ही नहीं होगा आप खा नहीं सकते, तो आपकी डिपेंडेंसी है। तो आप जाके बार बार पूछते हो खाना बना कि नहीं बना, खाना बन गया तो आप खा लेते हो। तो यानी पहले काम पे दूसरा काम डिपेंडेंट है और आप जा रहे हो पूछने के लिए। तो वही काम हम यहां कर रहे हैं,
हम कहते हैं बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट आर बिल्ड। तो कौन से अब किस प्रोजेक्ट पे नजर रखनी है? प्रोजेक्ट टू वॉच, यानी आपको खाने पे नजर रखनी है। जैसे ही खाना बन गया आपने खा जाना है। तो प्रोजेक्ट टू वॉच हमें किस प्रोजेक्ट पे नजर रखनी है? मैं कहता हूं हमें जॉब वाई पे नजर रखनी है कि जैसे ही जॉब वाई पूरी हो जाए हमने अपनी मैवन जॉब स्टार्ट कर देनी है। मैं देखो ये काम ना मैवन के अंदर ही कर रहा हूँ, मैवन जॉब के अंदर। तो जैसे ही जॉब वाई पूरी हो जाए मैवन जॉब स्टार्ट हो जाए, यानी खाने का काम स्टार्ट हो जाए। तो अब ये कहते हैं ट्रिगर ओनली इफ बिल्ड इज स्टेबल। ये अब अपना तीन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर पहला काम फेल हो जाए तो फिर दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर खाना मम्मी ने बनाया ही नहीं है तो फिर खाओगे क्या, है ना? तो पहला काम होना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है ट्रिगर ऑनली इफ बिल्ड इज स्टेबल। अगर पहला आपका बिल्ड स्टेबल होता है तभी दूसरा काम स्टार्ट हो, नहीं तो ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड फेल, यानी पहला काम ना भी हुआ हो तो भी आप स्टार्ट कर दो। ये कुछ ऐसा है कि खाना बना ही नहीं है फिर भी आपने बर्तन खाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, खाना तो है नहीं, तो चले अच्छी बात है। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आप यहाँ पे सेव कर दो। अब बैक टू डैशबोर्ड करो। अब जैसे ही आप जॉब वाई को बिल्ड करोगे ना, जॉब वाई पूरी होते ही अपने आप दूसरा कौन सा काम स्टार्ट हो जाएगा? मैवन जॉब का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। तो देखें कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और सॉरी मैं बैक करता हूँ, बैक टू डैशबोर्ड। मैं यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखें मैवन जॉब देखें क्यू में है, यानी जैसे ही पहला काम स्टार्ट होगा मैवन जॉब का काम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो जॉब वाई के ख़त्म होते ही मैवन जॉब का काम स्टार्ट हो जाएगा। आप देखना ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, देखिए आ गया, तो ये काम स्टार्ट होने लगा। यानी जैसे ही जॉब वाई पूरा हुआ मैवन जॉब स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जॉब वाई अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहा आप, लेकिन इस पर दोबारा क्लिक करके जैसे ऐसे रिफ्रेश करेंगे ना, देखें ये हरा हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि 22 सेकंड पहले जॉब वाई हुआ है और उसके बाद मैवन जॉब का काम अब स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। आई होप बड़े आसान है। देखें जेनकिंस जो है ना ये पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो धीरे धीरे हम इसकी सारी चीज़ों को देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, अब ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। ये व्यूज़ वाली चीज़ जो है, क्योंकि जेनकिंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ऐसा नहीं है आपको कमांड सीखने की ज़रूरत है या कुछ अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत है, सब कुछ बड़ा दिलचस्प होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहें वन बाई वन। तो अब ज़रा हम व्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर ना आपको ये प्लस साइन नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इस पर देखो मैं जाऊँगा ना तो यहाँ ये दिखाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दिखा नहीं रहा यहाँ पे, इसको दिखाना चाहिए, न्यू व्यू करके दिखाता है ये। तो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई आपका क्या नाम रखना है। मैं कहता हूँ फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट्स। तो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मुझे यहाँ पर दिखाओ। आप लिस्ट व्यू कर देता हूँ। अब आप ओके करें, जैसे ही आप ओके करेंगे ना ये कहेगा फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में आप कौन कौन सी जॉब रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जॉब ए जॉब वाई दोनों फ्री स्टाइल हैं, और माय फर्स्ट जॉब भी मेरी फ्री स्टाइल है, माय सेकंड जॉब भी मेरी फ्री स्टाइल है। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले सकते हैं, आप मैवन जॉब को भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेके मैं ओके कर देता हूँ। ओके कर दिया। अब देखें आपको ना ऑल के साथ साथ यहाँ फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में अलग से लिस्ट नज़र आ रही है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 50-100 प्रोजेक्ट्स हैं और आप उन्हें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहते हैं कि भाई मेरे ये चार प्रोजेक्ट फलाना चीज़ से रिलेटेड है, चार प्रोजेक्ट फलाना काम से रिलेटेड है, फलाना कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, तो आप ना यहाँ पे अलग अलग बना सकते हो। जैसे अब ये एक और प्लस साइन है, मैं यहाँ पे अब की बार लिखता हूँ मैवन जॉब्स, इस तरीके से मैं नाम दे देता हूँ, लिस्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। और अब की बार मैं मैवन जॉब में ना ये वाली जॉब और सपोज करो ये वाली, मैं दोबारा भी ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ले लिया तो अगले व्यू में मैं इसको दोबारा नहीं ले सकता, मैं ले सकता हूँ। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब देखें मैवन जॉब में मुझे दो जॉब नज़र आ रही हैं, मैवन जॉब और माई फर्स्ट जॉब। तो इससे होगा क्या, आप ना अपने काम को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, मिक्सअप ना करने की जगह, हौच पौच ना करने की जगह, जो काम जिस तरीके का है उसको उसी टाइप से आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट सेपरेट कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी से वो प्रोजेक्ट नज़र आ जाए, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसके 8-10 प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, तो उन्हें एक जगह बना के लिख लें, उनकी लिस्ट अलग बना लें, दूसरे की लिस्ट अलग बना लें, इस तरीके से आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं। आप चाहें आप इस व्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए डिलीट व्यू का ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। आप एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको नाम बदलना है या कुछ और इसमें कम ज़्यादा करने हैं, कोई और जॉब ऐड करनी है, आप कर सकते हो। आप ओके कर दो, ये देखो ये जॉब भी ऐड हो गई। अब आप इसे डिलीट करना चाहते हो, आप डिलीट कर दो,
और यहाँ पे यस कर दो, मैवन जॉब डिलीट हो जाएगी। देखो मैवन जॉब डिलीट हो गई। अब आप फ्री स्टाइल को भी डिलीट करना चाहते हो, इसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। अब आप ऑल पे आओगे ना तो यहाँ नहीं डिलीट होगा। अच्छा, अब मजे की बात, अब आप कहेंगे सर अगर मैं फ्री स्टाइल पर डिलीट करता हूँ तो क्या ये जॉब डिलीट हो जाएंगी? ये जॉब डिलीट नहीं होंगी, खाली वो लिस्ट डिलीट हो जाएगी जो आपने अलग से क्रिएट की है। ये समझने वाली बात है। देखो जॉब ए, जॉब वाई, फर्स्ट जॉब, ये सब यहाँ पे है। अगर मैं फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट की लिस्ट को डिलीट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब ए डिलीट हो जाएगा, जॉब वाई डिलीट हो जाएगा। वो यहां पे रहेगा, वो जॉब ए, जॉब वाई, वो सब यहां पे रहेगा, बस फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट वाली लिस्ट डिलीट हो जाएगी। तो मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। तो ये देखो अभी ऑल के अंदर सारी हैं। अब ऑल वाला पे यहां पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, डिलीट व्यू का, यानी ये चीज, ये वाली लिस्ट आपकी डिलीट नहीं हो सकती। आप एक्स्ट्रा लिस्ट बना सकते हो। आप यहां पर सपोज एक न्यू बना के आप लिस्ट बनाओ और इसमें आप अब ऐड कर लो जॉब ए और यहाँ पे ओके कर दो, तो ये एक न्यू नाम से अलग लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो, व्यू का आप काम कर सकते हो, इन्हें आप डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपको आई होप समझ आ गया होगा कि व्यू का क्या काम होता है, यानी यहाँ पे किस तरीके से हम मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जेनकिंस के बारे में जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि जब प्रोजेक्ट पर काम करें तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फैमिलियर हो, आप इनके साथ, आपको पता हो इनके बारे में। अब बात कर लेते हैं जेनकिंस के अंदर यूजर मैनेजमेंट की। तो ये मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यूजर मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, देखें, आपने शेफ में भी काम किया है, आपने एनसीबल पे भी काम किया है, आपने AWS की भी मेरी सीरीज पढ़ी होगी। हर जगह पे हम क्या करते हैं, यूजर्स बनाते हैं, उनके रोल असाइन करते हैं। इवन हर कंपनी के अंदर हर बंदे का काम डिफाइन होता है। डेवलपर को क्या काम करना है उसको मालूम है, टेस्टर को क्या काम करना है उसको मालूम है, और उसी के हिसाब से हम उनकी परमिशन से अलाउ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी को जेनकिंस अपनी मशीन में इंस्टॉल नहीं करना है। जेनकिंस एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होता है और हम उस सर्वर को एक्सेस करते हैं उसकी आईपी के थ्रू। उस सर्वर की जो भी प्राइवेट आईपी है, जो भी हमारे नेटवर्क में उसको दी गई है, उस प्राइवेट आईपी को लिखने के बाद, सपोज हमने उसकी प्राइवेट आईपी लिखी और उसके बाद कॉलन लगा के 8080, तो आपकी कंपनी के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी के बाहर से करना चाहते हैं तो उस सर्वर की पब्लिक आईपी कॉलन 8080 करके आप उस जेनकिंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब एडमिन जो होता है, एडमिन होता है जो मेन बंदा है जिसने उस पे काम किया है, जिसने उसको इंस्टॉल किया है। तो हम आपको तो आईडी पासवर्ड नहीं बता सकते, हर बंदे को तो हम एडमिन का आईडी पासवर्ड नहीं बता सकते, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए यूजर क्रिएट कर देते हैं, उनके नाम से यूजर बना देते हैं, ताकि वो काम कर सके जो उनको करने के लिए कहा गया, उनका ऐसा ना हो कि उनका कोई काम रुके। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर्स क्रिएट कर देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे वो लॉगिन अपने आईडी पासवर्ड से करें और लॉगिन कर सके। और ऐसा हमने शेफ में भी करके देखा है, ऐसा हमने AWS के IAM अकाउंट के थ्रू भी करके देखा है कि IAM में कैसे यूजर क्रिएट किए जाते हैं, उनको कैसे रोल असाइन किए जाते हैं, फिर उनको जो काम करना है वो परमिशन हम दे देते हैं ताकि वो बंदा वो काम कर सके। यही पर्पस है यूजर मैनेजमेंट का जेनकिंस के अंदर। हर किसी को मशीन पे अपने जेनकिंस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती रियल टाइम में। आपको एक आईपी कॉलन 8080 कंपनी वाले बता देते हैं कि इस पे आप करोगे जेनकिंस आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका एक यूजर क्रिएट कर दिया जाएगा, उसको जैसे ही आप यूजर और आईडी पासवर्ड डालोगे अपने आप आपका जेनकिंस का पेज ओपन हो जाएगा। तो वही सारा काम मैं अब आपको यहां बताने वाला हूं कि कैसे किया जाता है। तो देखें, आपने सबसे पहले जेनकिंस के ऊपर जाना है, उसके होम पेज पे जाना है, और उसके होम पेज पे जाने के बाद आपने मैनेज जेनकिंस का ऑप्शन आपको नजर आएगा, आपको वहां जाना है। वहां जाने के बाद आपको मैनेज यूजर्स में जाना है। तो मैनेज यूजर्स के अंदर आप अगर देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको एडमिन नाम का सिर्फ एक यूजर नजर आएगा जिसके पास सारे राइट्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वो क्रिएट किया है, उसने वो इंस्टॉल किया है, तो वो मेन बंदा होता है, ठीक है। अब हम कुछ यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पे ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू नोड या न्यू यूजर करके। आप वहां पे जैसे यूजर पे जाओगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा कि क्या नाम आप देना चाहते हो यूजर को, उसका पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, उसकी ईमेल क्या देना चाहते हो, वो सारी डिटेल आपसे पूछेगा, आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही आपको दो यूजर क्रिएट करने हैं, सपोज मैं एक भूपिंदर नाम से कर लेता हूँ, एक राजपूत के नाम से कर लेता हूँ, हालांकि दोनों एक ही बंदे हैं लेकिन यहां मैंने अलग अलग कर दिए हैं। समझ आ रही है बात?
उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, दो यूजर क्रिएट होने के बाद एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या इससे लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप क्या करें, अपने एडमिन से लॉग आउट कर लें, उसके बाद जो नाम और आपने आईडी पासवर्ड दिया है भूपिंदर और इसका जो भी पासवर्ड आपने रखा है उससे आप लॉग इन करके देखें उसी जेनकिंस अकाउंट में। तो आप देखेंगे कि लॉग इन हो रहा है और लॉग इन होने के बाद सब कुछ नजर आ रहा है, यानी जो एडमिन को नजर आ रहा था वही मुझे नजर आ रहा है। तो फिर फायदा क्या हुआ, मैंने तो अभी आपसे कहा कि हम उस परमिशन वही लगाते हैं जो हम देना चाहते हैं, लेकिन यहां तो सारी चीजें नजर आएंगी। ऐसा इसलिए आपको याद रखना है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बाय डिफॉल्ट जो भी यूजर हम क्रिएट करते हैं उनको सारी परमिशंस मिली हुई होती हैं, यूजर को भी सारे प्रिविलेजेस मिले हुए होते हैं बाय डिफॉल्ट, हमें वो चेंज करने पड़ते हैं, हमें उसका प्लगइन डालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बताया कि जेनकिंस में सारा खेल ही प्लगइन का है, ठीक है। तो अब उसको अगर हमें परमिशंस उसकी सेट करनी है, उसका काम हमें सेट करना है, तो उसके लिए पहले हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके बाद ये काम हम कर पाएंगे कि कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए पहले हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन क्या है, अब उसके लिए आप पहले एडमिन की दोबारा लॉग इन करें एडमिन से। ये बात याद रखिएगा, कोई भी जॉब बनानी हो या कोई काम करना हो, कोई प्लगइन इंस्टॉल करना हो, ये सारे काम हमेशा एज अ एडमिन किए जाते हैं, एज अ यूजर कभी ये काम नहीं किए जाते। तो अब आप एज अ एडमिन लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप दोबारा मैनेज जेनकिंस में जाएंगे और इस बार आप कहां जाएंगे, मैनेज प्लगइन्स में। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें इस काम को करने के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस प्लगइन का नाम क्या है, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी। ये प्लगइन जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको नजर आ जाएगा अवेलेबल के अंदर, वहां जाके इसे इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट करें। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो जेनकिंस को रीस्टार्ट कर लें, ठीक है, उससे ये प्रॉपरली सेटल हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। तो उसे आप रीस्टार्ट कर लें, हालांकि सिलेक्ट आप ये ऑप्शन करें बट उसके बाद रीस्टार्ट खुद से कर दें। उसके बाद जब ये रीस्टार्ट हो जाए तो आप एज अ एडमिन लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अब आप एज अ एडमिन लॉगिन करना है आपको, मैनेज जेनकिंस में जाएं, वहां जाने के बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कॉन्फिगर ग्लोबल सिक्योरिटी का। ये ही वो ऑप्शन है जहां पे जाके आप ये सेट कर सकते हैं कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता है। तो यहां पे आपने जाना है ग्लोबल सिक्योरिटी में, यहां पे आपको इस बार रोल बेस्ड स्ट्रेटजी ये ऑप्शन नजर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने प्लगइन इंस्टॉल कर दिया ये वाला। तो अब आपको ये ऑप्शन नजर आएगा रोल बेस्ड स्ट्रेटजी, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब जब आप एज अ भूपिंदर लॉग इन करेंगे तो आपको एक्सेस डिनाई आएगा, यानी इस बंदे के पास अब कोई परमिशन नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम ये भी नहीं चाहते कि ये बंदा कुछ भी ना कर सके, हम चाहते हैं जो इसका काम है ये वो कर सके। तो उसके लिए अब हमें वो परमिशंस इसको देनी पड़ेंगी, ये कितना काम कर सकता है कितना नहीं कर सकता है उसके लिए हमें इसका रोल असाइन करना पड़ेगा। रोल का मतलब बिल्कुल यही है, जैसे कि एक टिकट कलेक्टर है, उसका रोल क्या है, टिकट कलेक्ट करना, टिकट चेक करना कि बंदे का टिकट आया कि नहीं आया। ऐसे ही एक ड्राइवर होता है, लोको पायलट होता है ट्रेन चलाने वाला, उसका टिकट कलेक्ट करने का काम नहीं है, टिकट चेक करने का काम नहीं है, ट्रेन चलाने का काम है। तो हर बंदे का रोल डिफाइन है, समझ आ रही है, मेरा रोल क्या है, आपको पढ़ाने का है, आपका रोल क्या है, पढ़ने का है, हर बंदे का रोल डिफाइन है। तो ऐसे ही हमें रोल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अब आप क्या करें, आप अपने जब ये एक्सेस डिनाई आ रहा है तो आप अपने जेनकिंस में जाएं एज अ एडमिन, और एज अ एडमिन जाने के बाद आप मैनेज जेनकिंस में जाएं और वहां पे मैनेज एंड असाइन रोल का ऑप्शन होगा। पहले आपको रोल को मैनेज करना है फिर असाइन करना है, दो अलग अलग ऑप्शन आपके पास होंगे। मैनेज रोल का मतलब है कि आप पहले रोल बना दें कि एक बंदा डेवलपर है एक बंदा टेस्टर है, ये दो रोल है मेरे पास, उनके ऊपर एक रोल है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय कौन है, डेवलपर टेस्टर दोनों मेरे एम्प्लॉय हैं, यानी वो दोनों रीड कर सकें। तो सबसे पहले मैं परमिशन क्या दूंगा, देखो मैं रोल ऐड करूंगा एम्प्लॉय, इसका मतलब पहले मैं एक एम्प्लॉय बना रहा हूं कि ये बंदे मेरे एम्प्लॉय हैं, वो डेवलपर हो सकता है, वो टेस्टर हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। उसके बाद मैं कहता हूं गो टू आइटम प्रोजेक्ट। उसके बाद यहां पे अब आपको ना एक बार पहले रोल बना दिया आपने एम्प्लॉय का, फिर आपको क्या करना है, आपको यहां पे आइटम प्रोजेक्ट में जाना है। आई थिंक ये आइटम प्रोजेक्ट नहीं है, ये असाइन रोल है, आई थिंक असाइन रोल है, ये चेक कर लेंगे लैब में, मैं भी भूल रहा हूं, असाइन रोल है ये, चेक कर लेंगे। तो वहां पे दो रोल हमने ऐड करने हैं, एक एज अ डेवलपर एक टेस्टर, यानी ये आपको ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद पैटर्न आपको लिखना पड़ता है। पैटर्न से मतलब क्या, पैटर्न से मतलब ये है कि कोई भी जॉब जो डेव से स्टार्ट हो रही है वो डेवलपर को नजर आनी चाहिए, कोई भी जॉब जो टेस्ट से स्टार्ट हो रही है टेस्ट वन टेस्ट टू या डेवलपर वन या डेव प्रोजेक्ट वन, इस तरीके से जो भी डेव से स्टार्ट हो रही है वो जॉब डेवलपर को नजर आए, जो टेस्ट से स्टार्ट हो रही है वो टेस्ट को। तो अब फ्यूचर में कोई भी बंदा जो
डेवलपर है उसको ये मालूम होगा कि मुझे अपनी जॉब का नाम कैसे देना है। वो कोई और नाम नहीं देगा, वो जो भी नाम देगा डीईवी से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है तभी मुझे ये नजर आएगा या दूसरे डेवलपर को नजर आएगा। तो अब वो सारे जॉब के जो नाम होंगे उनके इससे स्टार्ट होंगे, पैटर्न इसीलिए यहाँ पे दिया जाता है। स्टार का मतलब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब पहले आपने ये रोल ऐड कर दिया, उसके बाद आपने दो रोल क्रिएट किए, डेवलपर एंड टेस्टर, और फिर आपने असाइन कर दिया। असाइन के अंदर आपने क्या करना है, ये रोल मैं किसको दे रहा हूं, ये रोल मैं अपने दो यूजर को दे रहा हूं, भूपिंदर को और राजपूत को। अब लेकिन भूपिंदर और राजपूत कौन है, तो हमें यहां पे आइटम रोल में जाके डिफाइन करना पड़ेगा कि भूपिंदर जो है वो डेवलपर है, राजपूत जो है वो टेस्टर है। ये दो अलग यूजर है, ये बंदा डेवलपर है, ये टेस्टर है। यानी भूपिंदर को डेवलपर वाले जितने भी जॉब्स है वो नजर आनी चाहिए और टेस्टर को टेस्ट वाली सारी जॉब नजर आनी चाहिए। जब ये सारा काम आप कर लोगे उसके बाद आप अपने एडमिन से लॉग आउट कर लो और एज अ भूपिंदर लॉग इन करिए। आपको डेव वाली अगर कोई जॉब होगी तो वो नजर आएगी, ऐसे ही राजपूत से अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपको टेस्ट वाली कोई जॉब होगी तो वो नजर आएगी। यानी इस तरीके से हम यूजर मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जेनकिंस बेहद आसान है। आई डोंट नो कि लोगों को क्यों इतना हवा बनाया हुआ है कि जेनकिंस को लेकर वो डरते रहते हैं। यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इवन मुश्किल चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, शेफ हम पढ़ चुके हैं जो मुश्किल माना जाता है, एंसिबल हम पढ़ चुके हैं जो मुश्किल माना जाता है, इवन गिट में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं जो मुश्किल माना जाता है। जेनकिंस तो उसे कंपैरिजन में बहुत आसान है क्योंकि यहां पे प्रोग्रामिंग होती नहीं है। यहां पे तो बस आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सब नजर आ रहा है, ड्रैग ड्रॉप करना है, क्लिक करना है, काम हो जाएगा। तो जेनकिंस बेहद आसान है, मजा आने वाला है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इवन हमने जेनकिंस के मेजर टॉपिक्स फिनिश भी कर दिए और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो इसकी लैब में हो सकता है, क्योंकि मेरी मशीन जो है, मेरा जो लैपटॉप है उसमें कुछ मसला आजकल चल रहा है और वो नया लैपटॉप मैंने लिया है, तो उसमें आई डोंट नो कि क्या सेटिंग गड़बड़ है जो मेरा जेनकिंस यहाँ प्रॉपर काम नहीं कर रहा। बट आपकी सभी की, मैक्सिमम लोगों की मशीन पे वो प्रॉपर काम कर रहा है, तो आप करके देखें। हालांकि मैं भी आपको ये लैब करके दिखाऊंगा, बट अगर कहीं कोई मसला आता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं आपको वैसे फॉलो करने हैं, आपका इजीली हो जाएगा। फिर भी अगर कोई मसला आता है तो मैं आपको अगले लेक्चर में Ubuntu पर Jenkins इंस्टॉल करना दिखाऊंगा, जो आप अपने AWS अकाउंट पे कर सकते हैं। जैसे कि हमने DevOps की बाकी सारी लैब AWS के ऊपर कॉन्फ़िगर करके की थी, Ansible सर्वर बनाया था, Chef सर्वर बनाया था, इस तरीके से अब मैं आपको जो अगली लैब है उसमें मैं AWS अकाउंट पे Ubuntu मशीन लेकर उस पर Jenkins को करना सिखाऊंगा। तो बेहद आसान है। तो जिन लोगों का एरर आ रहा है विंडोज में, या जिनको ये लग रहा है यार हम तो ये टॉपिक समझ ही नहीं पा रहे, भूपिंदर सर की भी लैब में मसला आ रहा है तो हमारी भी नहीं हो पा रही है, तो डोंट वरी, अगला लेक्चर आप ही लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूं ताकि आप लोग वो ये सारी प्रैक्टिस अपने उस जो Ubuntu मशीन हम लोग क्रिएट करेंगे अगले वीडियो में वहां पे ये सारा काम करके देख सकें। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एनर्जेटिक रहना, मजा आने वाला है। और DevOps ये समझिए हमने फिनिश कर दिया, 80% हमारा DevOps फिनिश हो गया, बस एक प्रोजेक्ट पे आपको काम कराऊंगा, उसके बाद Kubernetes पे काम करेंगे, Nagios का थोड़ा सा काम देखेंगे और हम इसको फिनिश करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। हम ऑलमोस्ट DevOps फिनिश कर चुके हैं और इतने डिटेल में मुझे नहीं याद पड़ता कि YouTube पे या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में कोई मौजूद होंगी ट्रेनिंग्स, तो जरूर आपका सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए, खैर वो आपका होता भी है। तो अब जरा ये यूजर मैनेजमेंट वाला काम हम लैब पे करके देख लेते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई हम यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, लेफ्ट साइड में आपको मैनेज Jenkins का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मैनेज यूज़र्स का, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं यूज़र को, तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए अभी आपको सिर्फ एक एडमिन नज़र आ रहा है, उसका नाम भी एडमिन है, यूज़र आईडी भी एडमिन है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट में कुछ और यूज़र ऐड करने हैं, क्योंकि देखिए रियलिटी में होता क्या, जैसा मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है कि जो Jenkins होता है वो जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्वर पे होता है, तो हर किसी को अपने लैपटॉप पे Jenkins इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। आप उसी को, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपका बना के दे दिया जाता है, आप उससे लॉगिन करते हैं डायरेक्ट उस आईपी के थ्रू, आप उस सर्वर की आईपी, जो भी Jenkins सर्वर की आईपी है वहां की उस नेटवर्क के अंदर, वो आईपी डाल के :: 8080 करके आप उसको एक्सेस करते हैं। आपको अपनी मशीन के ऊपर Jenkins इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एज अ एडमिन आपको यूजर कैसे क्रिएट करने हैं वो मैं अब आपको बता देता हूं। तो आपने सबसे पहले यहां क्रिएट यूजर पे क्लिक करना है। अब यहां पे सपोज मैं यूजर का नाम देना चाहता हूं, मैं कहता हूं जी आपका नाम है भूपिंदर,
और पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है आपका जी, मैं कहता हूँ पासवर्ड ही आपका पासवर्ड है, सिंपल सा रख लेते हैं। फुल नेम जो है वो आपका, चलो टेक्निकल गुफ्तगू आ रहा है, ईमेल आईडी चलो यही डाल देते हैं, क्रिएट यूज़र कर देते हैं, ठीक है। तो भूपिंदर नाम से एक यूज़र बन गया। अब मैं कहता हूँ एक और यूज़र बना लेते हैं, और देखो यहाँ पे ना ये क्रॉस का साइन आ रहा है, यानी इस बंदे के पास ये यूज़र है, एक नॉर्मल यूज़र है, ही इज़ नॉट एडमिन। तो अब मैं यहाँ पे एक और यूज़र बनाता हूँ, और इस बार इसको नाम दे देता हूँ साहब राजपूत, और पासवर्ड भी मैं दे देता हूँ साहब राजपूत, या पासवर्ड पासवर्ड ही रखते हैं, दोनों का सेम रखते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका भी हम पासवर्ड पासवर्ड रख रहे हैं, फुल नेम टेक्निकल गुफ्तगू नहीं रखते हम, राजपूत ही रख देते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ईमेल आईडी सेम ही दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने भैया दो यूज़र बना दिए, एक राजपूत के नाम से, एक भूपिंदर के नाम से, ठीक है ना। तो दो यूज़र मेरे क्रिएट हो गए। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यही है कि आप जो है एज अ यूज़र भी लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं देखो आपको दिखा देता हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको लॉग आउट कर लेते हैं यहाँ से, जेनकिन्स को, ये लॉग आउट हो गया। अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ भूपिंदर के नाम से, और पासवर्ड मैंने रखा था पासवर्ड ही था, तो मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, देखे लॉग इन हो गया। अब मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, और इस बार मेरा नाम क्या है यहाँ पे? टेक्निकल गुफ्तगू। क्यों? क्योंकि मैंने आपको याद होगा टेक्निकल गुफ्तगू उसका फुल नेम रखा था। तो यहाँ इस बार मुझे एडमिन नज़र नहीं आ रहा, टेक्निकल गुफ्तगू नज़र आ रहा है। देखो मैं लॉग आउट करके आपको दूसरे नाम से भी लॉग इन करके दिखाता हूँ, राजपूत नाम से, राजपूत रखते हैं, और पासवर्ड क्या था? पासवर्ड वही था, पासवर्ड ही था। लॉग इन करते हैं, देखे फिर लॉग इन हो गया, अब की बार में राजपूत नाम से लॉग इन हो गया। तो यानी मैंने जो मल्टीपल यूजर क्रिएट किए, मैं उनके नाम से भी लॉग इन कर पा रहा हूँ, और सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं जॉब क्रिएट करना चाहूँ, मैं जॉब क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। यानी इससे क्या समझने को मिला? बाय डिफॉल्ट यूजर के पास सारे राइट्स होते हैं, सारी परमिशन होती हैं, आपको दिख भी रहा है। तो भैया फायदा क्या हुआ? जब वो सारे काम कर सकता है एडमिन के बराबर, तो फिर तो ये फायदा नहीं है ना, वो बंदा नुकसान भी पहुंचा सकता है आपको। कल को उसकी आपसे लड़ाई हो जाए, गुस्से में आके वो आपके प्रोजेक्ट डिलीट कर दे, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो आपने उनकी परमिशंस को भी रिस्ट्रिक्टेड करना है। तो वो बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट उनको सारी परमिशंस मिली हुई होती हैं। अब आपने उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक अलहदा काम आपको करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप मैनेज जेनकिंस में जाएँ, और यहां पे जाके पहले एक प्लगइन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप पहले मैनेज प्लगइन्स में जाएं, यहां पे अवेलेबल में जाएं, और यहां पे एक प्लगइन आप सर्च कर लें, उसका नाम है मेरे ख्याल ये आ गया, ये आ गया जी, देखिए रोल बेस्ड ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी। तो ये यहां पे आप इसे सिलेक्ट करें और इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट पे क्लिक करें। देखें दोनों ही सक्सेस हो गया, तो एक बार इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा रीस्टार्ट हो रहा है, तो इसको दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। तो मेरा ये पेज लॉगिन हो गया है, बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं। तो मेरे यहाँ पे प्लगइन ऐड भी हो चुका होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, मैनेज जेनकिंस में चलते हैं, और यहाँ पे ना आपको ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी। तो भैया इसमें लिखा है कि इसमें क्या कर सकते हैं आप, डिफाइन हु इज़ अलाउड टू एक्सेस यूज दिस सिस्टम, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कितना एक्सेस कर सकता है, ये काम अब आप यहां पे कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करें। अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या लिखा है, लॉग्ड इन यूजर कैन डू एनीथिंग। यानी भैया जो भी लॉग इन करेगा, जो भी यूजर आपने क्रिएट किए हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तो यही चीज तो हम नहीं चाहते। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम कहते हैं भैया उसको जो है रोल बेस्ड स्ट्रेटजी में डिफाइन कर दो। उसको ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है, उसको रोल बेस्ड स्ट्रेटजी आप कर दो, और यहां पे जाके आप इसे सेव कर दें। अब देखिए आप जब आप इसे लॉग आउट करोगे ना, और यहां पे आप इसे लॉग इन करो भूपिंदर के नाम से, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखो ये क्या आ रहा है, भूपिंदर इज मिसिंग द ओवरऑल रीड राइट परमिशन। तो भैया इसका मतलब एक्सेस डिनाई, अब आप नहीं कर सकते, आपकी जो परमिशन थी वो मैंने अब रोक दी, मैंने अभी आपको कोई परमिशन नहीं दी हुई, यानी अब आप कुछ नहीं कर सकते। एज अ एडमिन तो आप सब कुछ कर सकते हो, बट आप वैसे कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए एज अ एडमिन आप कुछ भी कर सकते हो, बट जो यूजर है वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उससे सारी परमिशंस छीन ली। अब मैं जो परमिशन उसे देना चाहता हूं मैं वो दूंगा। उसके लिए हमें यहां पर भी रोल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा रोल हम
शेफ में क्रिएट करते थे, एंसिबल में क्रिएट करते थे, या AWS क्लाउड के अंदर भी हम लोग IAM में जाकर रोल क्रिएट करते हैं कि भाई डेवलपर है वो ये काम कर सकता है। जैसे सपोज AWS के अंदर स्टोरेज वाला बंदा, किसी बंदे का स्टोरेज से रिलेटेड काम है, तो हम उसे ऐसा रोल असाइन कर देते हैं कि स्टोरेज में ये बंदा S3 क्रिएट कर सकता है, S3 बकेट को डिलीट कर सकता है, स्टोरेज से रिलेटेड या बकेट से रिलेटेड परमिशन हम उसको दे देते हैं। ऐसे ही कोई बंदा अगर डेटाबेस से रिलेटेड है तो उसको हम डेटाबेस से रिलेटेड परमिशन दे देते हैं, उनका रोल क्रिएट कर देते हैं कि भैया इसका रोल डेटाबेस है, इस बंदे का रोल स्टोरेज का है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। वही काम अब हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पर भी हमें रोल क्रिएट करने पड़ेंगे। वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं अब जरा वो देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले मैनेज जेनकिंस में जाएं, यहां पे देखो आपको ना ऑप्शन नजर आएगा मैनेज एंड असाइन रोल्स का, ये वाला, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो यहां पे देखें दो चीजें हैं, मैनेज रोल्स और असाइन रोल। तो सबसे पहले आपको रोल क्रिएट करना है, उसके बाद उसे असाइन करना है कि ये हमें किस बंदे को देना है। तो पहले वो रोल क्रिएट कर लेते हैं, तो मैनेज रोल्स पे क्लिक करिए। अब यहां पे देखिए बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है ग्लोबल रोल में कि एडमिन के पास तो सारी परमिशन है, वो ओवरऑल सारी परमिशन है, वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अब हम एक रोल क्रिएट करते हैं और इस रोल को नाम देते हैं एम्प्लॉय, कि भैया ये एक एम्प्लॉय, जो जो मेरे एम्प्लॉय हैं मैं उसे ऐड करता हूँ। अब एम्प्लॉय बाय डिफॉल्ट क्या कर सकता है, रीड तो सब कुछ कर सकता है और उसके अलावा जो है वो व्यू भी सब कुछ कर सकता है। तो मैं व्यू वाली जो चीज़ें हैं ना, ये व्यू वाली चीज़ों पर टिक कर देता हूँ कि वो व्यू भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है। ठीक है, ये काम तो मेरा एम्प्लॉय कर सकता है, बाय डिफॉल्ट वो मेरा ये काम कर सकता है। अब मैं कहता हूँ आइटम रोल्स, यानी उस बंदे के जो आइटम रोल है, यानी कि मैं उसे सपोज किसी को मैं डेवलपर बना दूंगा, मैं किसी को जो है आपका क्या बोलते हैं उसको टेस्टर बना दूंगा, इस तरीके से मैं किसी को भी कुछ भी बना सकता हूं। तो अब मैं जरा उस पर काम कर लेता हूं। तो यहां पे आप लिखें डेवलपर, तो मैं एक डेवलपर बना लेता हूं और पैटर्न क्या देता हूं, मैं कहता हूं यार जो भी जॉब डेव से स्टार्ट हो ना उसको आप डेव के आगे चाहे कुछ भी लिखा हो तो मैं स्टार लगा देता हूं, तो उसको आप जो है डेवलपर रोल असाइन कर दें। अगर कोई बंदा कोई जॉब क्रिएट करता है सपोज डेवलपर या डेवलपमेंट 1 या डेवलपमेंट 2 या डेव 1 प्रोजेक्ट या डेव प्रोजेक्ट 1, इस तरीके से कोई भी जो डेव से स्टार्ट जो भी पैटर्न होगा उस जॉब में, स्टार्टिंग अगर डेव से हो रही है तो उसको आप जो है डेवलपर रोल असाइन कर दो। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो हमने ये ऐड कर दिया। अब इसमें हम कहते हैं साहब कि इसको आप फुल परमिशन दे दो कि जो डेवलपर है वो सारे काम कर सकता है, तो यहाँ पे सबको टिक कर दो आप। तो मैंने सबको टिक कर दिया है। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक और रोल ऐड करना चाह रहा हूँ, तो अब आप यहाँ पे ऐड करें, उसको नाम दे दें टेस्टर और पैटर्न में आप कर दें टेस्ट और उसके आगे चाहे वो कुछ भी लिखा हो पर टेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, तो स्टार लगा देते हैं और ऐड करते हैं। अब ये भी ऐड हो गया। अब इसको भी आप सारी परमिशन दे दें कि भाई टेस्टर बंदा जो भी होगा ना वो ये सारे काम कर सकता है, जिस टेस्टर वाले वो सारे काम कर सकता है। तो टेस्टर वाली जो रो जॉब्स होंगी जो भी टेस्ट से स्टार्ट हो रही होंगी वो टेस्टर वो सारी जॉब्स पे काम कर पाएगा। तो ये काम भी हमने कर दिया। अब आप इसको सेव कर दें, सेव हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है यहां असाइन रोल्स पे, इस पर क्लिक करें। अब देखें यहां पे ना अभी क्या नजर आ रहा है, एडमिन नजर आ रहा है, एनोनिमस नजर आ रहा है, यहां पे ना एम्प्लॉय भी नजर आ रहा है आपको, देखें आप। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हम नीचे आते हैं, देखिए यहां पे ना डेवलपर टेस्टर दो चीज नजर आ रही है, तो यहां पर आप इसको नाम दें। मैंने कौन सा यूजर बनाया था, एक भूपिंदर नाम का बनाया था, तो मैं यहां पर ना वो नाम कर लेता हूं भूपिंदर, इसको ऐड करता हूं। और उसके बाद मैंने एक और बंदा बनाया था राजपूत नाम से, मैंने एक और यूजर बनाया था अगर आपको याद हो, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूं। मैं कहता हूं भूपिंदर कौन है, भूपिंदर तो डेवलपर है, इसको मैं डेवलपर रोल दे रहा हूं। देखिए रोल क्या है, डेवलपर, यूजर कौन है भूपिंदर। ऐसे राजपूत को मैं टेस्टर बना रहा हूं, राजपूत क्या है टेस्टर बन जाएगा, ये बात आपको समझ आ रही है। ऐसे यहां पर देखें यूजर ग्रुप टू ऐड में आपने क्या करना है, आपने पहले भूपिंदर पर जाना है, इसको ऐड करना है और फिर आपने यहाँ राजपूत को ऐड करना है, क्योंकि इन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो इन दोनों को मैं
एज अ एम्प्लॉय मेंशन कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के अंदर एडमिन नहीं है ये। अगर मैं इन्हें एडमिन बना दूंगा तो फिर ये एडमिन वाले सारे काम कर पाएंगे, तो अभी मैं इन्हें एडमिन नहीं बना रहा, एज अ एम्प्लॉय रख रहा हूँ। और इनके रोल मैंने डिफाइन कर दिया कि भूपिंदर एज अ डेवलपर काम करेगा और राजपूत एज अ टेस्टर काम करेगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई। इसके बाद आप क्या करें, आप इसको सेव कर दें। अब देखें, अब आपने क्या करना है, न्यू आइटम पे जाएं और यहां पे ना एक आप बना लें, एक कोई भी एक जॉब बना लें आप। जैसे मैं कहता हूं डेव प्रोजेक्ट बना लें आप, डेव प्रोजेक्ट वन कर लें और इसको आप कॉपी कर लें सपोज माई फर्स्ट जॉब से और ओके कर दें। और यहाँ पे जो कुछ लिखा लिखा रहने दें, आप सेव कर दें। तो ये हो गया, बैक टू डैशबोर्ड जाएं, एक और जॉब क्रिएट कर लें, इसको आप दे दें टेस्ट वन ऐसे करके दे दें। और यहाँ पर भी आप कॉपी कर लें माई सेकंड जॉब से कर लें, इससे ओके कर दें और जो कुछ है वो यहीं रहने दें, सेव कर दें। तो बैक टू डैशबोर्ड जाएं तो आप देखें आपको डेव प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और एक टेस्ट वन नज़र आ रहा है। मैंने दो जॉब क्रिएट की हैं। अब मैं जब लॉग आउट करता हूं, देखिए अभी मैं एज ए एडमिन हूं, मैं लॉग आउट करता हूं और मैं यहां पे लॉग इन करता हूं एज अ भूपिंदर। तो भूपिंदर कौन था आप बताएं, भूपिंदर डेवलपर था। तो इसको ना डेव वाली जॉब नज़र आनी चाहिए। नहीं नज़र आ रही, जस्ट अ मिनट, लॉग आउट करते हैं। ओके गाइज, एक्चुअली मेरा सिस्टम में क्योंकि एक इश्यूज था तो मैंने इसको एज अ जो है सिस्टम यूज़र नहीं किया था, मैंने इसको पूरे सिस्टम को ही परमिशन दी हुई थी बाय डिफॉल्ट। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड्स इन जेनकिंस रन एज द वर्चुअल जेनकिंस सिस्टम यूज़र विद फुल जेनकिंस परमिशन बाय डिफॉल्ट। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम इफ सम यूजर्स हैव रिस्ट्रिक्टेड और नो एक्सेस टू सम जॉब्स बट कैन कन्फिगर अदर्स। इफ दैट इज द केस इट इज रिकमेंडेड टू इंस्टॉल अ प्लग इन इंप्लीमेंटिंग बिल्ड ऑथेंटिकेशन एंड टू ओवर राइट दिस डिफॉल्ट। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने ये एक और प्लग इन डालना पड़ेगा, ऑथराइज प्रोजेक्ट प्लग इन। तो इस पर आप क्लिक करें, तो ये ऑथराइज प्रोजेक्ट प्लग इन को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको सर्च करना पड़ेगा हमें, तो मैनेज प्लग इन्स में चलते हैं, अवेलेबल में चलते हैं और यहां पर सर्च करते हैं ऑथराइज प्रोजेक्ट प्लग इन। तो ये वाला आपका आ गया है, इसको आप टिक करें और इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट करें। अब एक बार इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं जेनकिंस को। यहां पे आप एडमिन और इसका पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर लें। अब आप मैनेज जेनकिंस में जाएंगे तो यहां पे आप जाएं कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी में और यहां पे देखें हमने यहां पे कर दिया है रोल बेस्ड स्ट्रेटजी हमारे पास है, हमें कुछ और करने की यहां जरूरत नहीं है, सेव है हमारा। तो अब जरा हम लॉग आउट करके दोबारा देखते हैं भूपिंदर और पासवर्ड में हम डालते हैं पासवर्ड, एक बार लॉगिन करते हैं, अभी भी डिनाई आ रहा है, लॉग आउट करते हैं एडमिन और पासवर्ड। तो आई थिंक आप एक बार एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल फॉर बिल्ड इज प्रेजेंट बट नॉट कॉन्फ़िगर, तो यहां पे जाना पड़ेगा। देखें एक्सेस कंट्रोल फॉर बिल्ड इज पॉसिबल बट नॉट कॉन्फ़िगर, तो ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं। आप ये कह रहे हैं कि अभी कॉन्फ़िगरेशन हुआ नहीं है, तो जेनकिंस ऑन यूजर डेटाबेस अलाउ यूजर्स टू साइन अप वाइल साइन इनेबल एनीवन ऑफ यू कैन बिकम एन ऑथेंटिकेटेड यूजर। सो ओके ओके, ये हमने कर दिया है, रोल बेस स्ट्रेटजी हमने कर दी है और प्रोजेक्ट बेस मैट्रिक्स ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी। इसमें हम देखें कर सकते हैं ऐड यूजर और ग्रुप। तो यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ कि यूज़र और ग्रुप नेम, तो मैं कहता हूँ यूज़र कौन है, मेरा भूपिंदर है, तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया, ये आ गया। ये बंदा क्या कर सकता है, ये बंदा व्यू कर सकता है, ये बंदा रीड कर सकता है। इसके बाद मैं कहता हूँ जी एक और डाल दो आप यहाँ पे राजपूत नाम से और इसे ओके कर दो। ये बंदा क्या कर सकता है, ये बंदा भी रीड कर सकता है, व्यू कर सकता है। आप सेव कर दें, सेव कर दिया। अब आप लॉग आउट करें, आप भूपिंदर नाम से लॉग इन करें और पासवर्ड डालें, लॉग इन करें,
परफेक्ट है, अब की बार आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको अब की बार नज़र आ रहा है, अभी आपको जॉब नज़र नहीं आ रही बट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। आप देखिए कोई जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि आप जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि आप जॉब जो है वो हमेशा एडमिन क्रिएट करता है। आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, काम आप कर सकते हो, आप उस जॉब पे काम कर सकते हो, लेकिन आप उस जॉब को क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो परमिशन आपके पास अभी हमने नहीं दी। अगर हम आपको एडमिन राइट्स देते हैं तो आप वो काम कर सकते हो, तो लॉग आउट करते हैं। अब मैं इसको एज अ राजपूत लॉग इन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड देता हूँ इसको और साइन इन करते हैं। तो देखें ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो अभी यहाँ पे मुझे कोई जॉब नज़र नहीं आ रही है, कोई बिल्ड हिस्ट्री मुझे नज़र नहीं आ रही है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जॉब वॉब ऐड करेंगे तो वो हमें नज़र आने लगेगी। बहरहाल हमें इतना नज़र आ रहा है, हम व्यू कर सकते हैं। तो ये काम मैंने आपको करके दिखा दिया, आप यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो कैसे अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हालांकि थोड़ा सा मसला हुआ इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे लैपटॉप में थोड़ा इशू हो रहा है कुछ काम के साथ, तो प्रॉपर जेनकिंस मेरा काम नहीं कर रहा। पहले वाले लैपटॉप पे अच्छा खासा काम कर रहा था, बट आई डोंट नो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है ये, बट आप लोगों के सिस्टम पे बहुत इजीली हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसा आपने किया है, जैसे जैसे स्टेप मैंने बताए हैं, आपका हो जाएगा, ना हो तो मैंने आपको दिखाई दिया, जो पहले वाले स्टेप मैंने किए थे उसी से हो जाएगा, आपको इन स्टेप्स को करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आपका नॉर्मली ये हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको यूज़र क्रिएट करने आ गए होंगे बड़े अच्छे से। अब जरा जेंकिंस में मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भैया ये कैसे काम करता है। तो आपको पता है, देखें जैसे नाम से क्लियर है, मास्टर और स्लेव, यानी एक बंदा मास्टर और दूसरा क्या है, उसका गुलाम है, जो वो कहेगा वो करेगा। या दूसरी जबान में आप इसे ऐसे समझें कि एक काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, कि भैया एक बंदा इसके लिए पूरा नहीं पड़ रहा, इसे एक बंदे से काम नहीं हो पा रहा, तो उसको दो हेल्पर हमने दे दिए कि ये भी अब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अपने काम को इनसे भी करवा सकते हो या ये भी तुम्हारा काम कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसा समझें। तो यहां पर भी बाय डिफॉल्ट अब तक हमने जो कुछ भी किया वो सारी जॉब्स कौन कर रहा था, वो मास्टर कर रहा था। मैं आपको बता देता हूं, देखिए जैसे ये मेरा लैपटॉप है, तो मेरे लैपटॉप के अंदर मैंने जेनकिंस इंस्टॉल किया, जेनकिंस पे काम किया, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या था, एक मास्टर था। जो भी जॉब्स मैं क्रिएट कर रहा था, सपोज मैंने जॉब ए क्रिएट की, या मैंने माय फर्स्ट जॉब क्रिएट की, या मैंने जो है मेरी मैवन जॉब क्रिएट की, ये सारी जॉब जो है कौन कर रहा था मेरे लिए, कौन बिल्ड कर रहा था, मास्टर बिल्ड कर रहा था। और मास्टर की अपनी एक डायरेक्टरी होती है, अगर आप सी ड्राइव में चेक करें, मैं आपको दिखाऊंगा जब लैब करूंगा, सी ड्राइव के अंदर इसकी अपनी एक डायरेक्टरी होती है। जब भी आप जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं, एक डायरेक्टरी या फोल्डर आप उसे कह सकते हैं, फोल्डर अपने आप बन जाता है जेनकिंस नाम का। उसमें होता क्या है, उसके अंदर आपकी जितनी भी ये सारी जॉब्स हैं, जितनी भी ये सारी जॉब पे आप काम कर रहे हो, ये सारी आपकी यहाँ पे होती है, ये काइंड ऑफ डायरेक्टरी होती है, जहां पे आपकी जो जॉब्स है, जितना भी आप जॉब बना रहे हो, उसको बिल्ड कर रहे हो, वो सारी लेखा जोखा हिसाब किताब कहाँ रहता है, इस डायरेक्टरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर रहता है। अब हम कहते हैं भाई तुम इतना सारा लोड है, इतना सारा काम है, इतनी सारी जॉब है, जॉब वाई है, इतने सारे काम तुम अकेले कर रहे हो, तो हम कहते हैं हम तुम्हारी मदद के लिए एक दो स्लेव तुम्हें दे देते हैं। तो हम स्लेव क्रिएट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन जेनकिंस के अंदर होता है, तो अब हमें लैब में वही करके देखना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम दो स्लेव क्रिएट कर देंगे। अब हम कहते हैं जी हमने एक स्लेव वन क्रिएट कर दिया, और हम कहते हैं एक हमने स्लेव टू क्रिएट कर दिया। ये दोनों हेल्पर हैं, यानी अब जॉब को ये बंदा भी कर सकता है, ये बंदा भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तीनों में से कोई भी कर सकता है। और इस स्लेव की भी अपनी एक डायरेक्टरी आप बनेगी, तो वो भी आप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप सपोज यहां पे क्रिएट कर दें सी ड्राइव स्लेव वन डायरेक्टरी, इस नाम से क्रिएट कर दें, और इसकी क्रिएट कर दें स्लेव टू डायरेक्टरी के नाम से। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि हर किसी की एक डायरेक्टरी होती है, हर एक मास्टर की और स्लेव की अपनी एक डायरेक्टरी होती है, जहां पे उसने कौन कौन सी जॉब को बिल्ड किया वो वहां पे रखता है, उसका हिसाब किताब वो वहां पे रखता है। तो अब ये स्लेव भी हमने बना दी है, इसकी डायरेक्टरी हमने सी ड्राइव के अंदर बना दी, लेकिन इन दोनों के बीच में लिंक नहीं है। अभी इन दोनों के बीच में लिंक कैसे होगा, आपको एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी agent.jar के नाम से। और ये agent.jar जो होता है, इसका काम ही ये होता है स्लेव और उसकी डायरेक्टरी के बीच में लिंक क्रिएट करना, ताकि जो काम भी ये करे वो यहां पर आ जाए। तो
इसके लिए हम एजेंट डॉट जार नाम की एक फाइल डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसे सेट करेंगे, उसका पाथ बता देंगे स्लेव को, ताकि सारा काम जो भी ये करे वो यहां पे करे, यहां पे स्टोर करे अपने फोल्डर के अंदर, स्लेव वन अपने फोल्डर में करे, स्लेव टू अपने फोल्डर में स्टोर करे। तो इनके लिए हमने इनकी दो डायरेक्टरी बना दी। अब बनाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं किसी जॉब को बिल्ड करता हूं, मैंने जॉब वाई को बिल्ड किया, तो हो सकता है जॉब वाई को यहां पे एग्जीक्यूट हो जाए, मास्टर उसको पूरा करे, हो सकता है स्लेव वन उसको पूरा करे, हो सकता है स्लेव टू उसको पूरा करे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसको स्लेव वन ही करेगा, मास्टर ही करेगा, स्लेव वन ही करेगा या स्लेव टू। बाय डिफॉल्ट अगर आपने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, स्लेव बना दिए और फिर किसी जॉब को आप बिल्ड करें, तो वो काम तीनों में से किसी को भी मिल सकता है, क्योंकि तीनों खाली बैठे हैं। अब आप कहते हैं सर अगर ऐसी बात है कि ये भी खाली बैठा है, ये भी खाली बैठा है, तो जैसे मैंने जॉब वाई करवाया और जॉब वाई सपोज मास्टर ने किया, मास्टर ने बिल्ड किया, और फिर मैं मैवन पे काम कराऊं, तो अब तो इस हिसाब से इसको मिलना चाहिए क्योंकि इसने एक काम पहले ही कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने उसको डिफाइन नहीं किया, अगर आपने लेबल नहीं लगाया, तो लेबल जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक ये जितनी भी जॉब आप बिल्ड करा रहे हैं वो काम किसी को भी मिल सकता है। कोई डिफाइन नहीं है कि इसको ही मिलेगा या वन बाय वन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंडमली किसी के पास भी जा सकता है, हो सकता है सारी की सारी जॉब फिर भी मास्टर ही कर रहा हो, इसको एक आधा बार ही मिले, इसको एक आधा बार ही मिले, हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जो मैवन जॉब है ना ये इसलिए वन ही करे, इसको मैं जब भी बिल्ड करूं तो ये इसलिए वन के पास जाना चाहिए, और जो जॉब वाई है इसको मैं जब भी बिल्ड करूं तो इसका काम हमेशा स्लेव टू के पास जाना चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और उस चीज के लिए हमें लेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेबल का मतलब क्या है? लेबल का मतलब यह है कि आप सपोज मैं जॉब वाई की बात कर रहा हूं, तो मैं जॉब वाई के अंदर जाऊंगा और इसके लेबल में लिख दूंगा, सपोज करें वाई लेबल, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो या मैं रेड लेबल कर दूं, चले अच्छी बात है, रेड लेबल, ठीक है। तो मैंने कर दिया रेड लेबल। अब मैंने जॉब वाई को एक लेबल दे दिया रेड लेबल। अब यही लेबल मैं किस में दूंगा? स्लेव टू में दूंगा रेड लेबल। सेम लेबल मैंने यहां पर भी दे दिया, मैं ऐसे बना देता हूं, यानी यही नाम मैंने इसके अंदर डाल दिया लेबल के, और यहां पर भी लेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा, वही नाम मैंने वहां डाल दिया, यानी अब लेबल दोनों का मैच कर रहा है। इससे मतलब क्या हुआ कि जो जब ये बंदा काम करे, जब इसको बिल्ड किया जाएगा तो किसके पास जाएगा? जिसके पास इसका लेबल होगा, यानी स्लेव टू के पास। जब भी मैं इसको बिल्ड करूंगा ये काम स्लेव टू ही करेगा हमेशा। समझ आ रही है बात? ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि आप किसी क्लास के अंदर, कई बार होता था ना कॉलेज में, कि मुझे आज भी याद आता है जब कोई क्लास में कोई लड़की होती थी और वो पेन मांगती थी, तो उसे कोई नहीं देता था, वो हमारे को कहते थे तेरी वाली पेन मांग रही है, पेन दे दे उसको, है ना। तो वो लेबल लग जाता था कि वो आपकी वाली है, पेन भी आपने देना है, अब उसको दूसरा बंदा पेन भी नहीं देगा, है ना। तो ऐसे ही फिर जब कोई और बंदी पेन मांगती थी तो फिर हम कहते थे तेरे वाली पेन मांग रही है, तू दे मैं क्यों दूं, ठीक है। तो वो लेबलिंग जो होती है ना, वो लेबलिंग हर जगह होती है, रियल टाइम में भी होती है, यहां पर भी होती है। तो अब जब ये बंदा काम करेगा तो जिसके पास इसका लेबल है, ये इसको जो है वही कब बंदा काम करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। मास्टर और स्लेव का पर्पस वही है कि इस काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, या हम जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरे पास अभी तो 4-5 जॉब है, एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, बट रियल टाइम में सपोज आपके पास 50 जॉब है, तो आप चाहते हैं यार ये वाला काम जो, ये जो 5 जॉब है मैवन की, ये इस वाले स्लेव पे जाया करें हर बार, ये अगली 5 जॉब इस वाले स्लेव पे जाए, तो आप काम को डिफाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है आप किस काम को कैसे करते हैं। मेरा मकसद है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताना, ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए, छप जाए, ठीक है। और आई होप अब वो छपने लगा भी होगा। अच्छा, ये बात सही है, कई सारे लोगों की बड़ी शिकायतें मेरे पास आ रही हैं कि सर आप लेक्चर इतना डिले कर रहे हो, डेवऑप्स पिछले साल स्टार्ट किया था अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो बिल्कुल बहुत सही बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो अप्रैल के अंदर 2 या 3, ये तीसरा लेक्चर है और आगे के लेक्चर भी जल्दी आने वाले हैं, और आई विल ट्राई कि भैया जल्दी जल्दी डेवऑप्स मैं फिनिश कर दूं। मैं खुद नहीं चाहता, कई सारे लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, अब आप भी शायद और यूट्यूबर्स की तरह पैसे लेके पढ़ाएंगे, या आप बस ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे थे कि थोड़े से लेक्चर डाल देता हूं, बाकी नहीं डालूंगा, बाकी मैं उनको पैसों में दूंगा। मेरे भाई भूपेंद्र राजपूत ने पहले भी आपसे कहा था, फिर आपसे दोबारा यही बात कह रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। देर हो जाती है, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी अपने मसले मसाइल हैं, और ऊपर से अभी तो आप देख रहे हैं कोरोना में लाइफ कैसी चल रही है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। पर
फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भैया मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दूं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, मायूस ना हुआ करें, इतनी जल्दी हार ना माना करें, ठीक है। तो चले अब चलते हैं लैब पे और जरा मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो चलिए जी अब बात कर लेते हैं अपने मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले मैनेज जेनकिंस में चलते हैं और यहाँ पे देखें आपको ना नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मैनेज नोट्स का, तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे देखें अभी आपके पास सिर्फ मास्टर है और हमें अब स्लेव क्रिएट करने हैं जैसा मैंने आपको थ्योरी में समझाया। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड का ऑप्शन देखो आपको यहाँ नज़र आ रहा है लेफ्ट पे, न्यू नोड आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अब नोड को नाम दे दें, आप क्या दें स्लेव वन आप उसको बना दें और इसे परमानेंट एजेंट मैं बना रहा हूँ और ओके आप कर दें। अब यहाँ पे देखें ये कई सारी चीज़ें पूछ रहा है, तो रूट डायरेक्टरी जो हमें बनानी है क्या होती है, आप यहाँ क्वेश्चन मार्क पे चेक करें कि एजेंट नीड टू हैव अ डायरेक्टरी डेडिकेटेड टू जेनकिंस। तो जैसे कि हमारा डिफॉल्ट होता है उसमें सी ड्राइव के अंदर जेनकिंस नाम से हमारा बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए अगर मैं सिस्टम में जाऊँ और सी ड्राइव में जाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ सी ड्राइव में, यहाँ पे मैं अगर प्रोग्राम फाइल्स में जाऊँ तो मुझे जेनकिंस नज़र आएगा, ये देखें जेनकिंस फोल्डर नज़र आ रहा है। ऐसे ही मैं अपने स्लेव के लिए, क्योंकि तो मास्टर की डायरेक्टरी है, मास्टर के लिए तो हमने जेनकिंस बना दिया, स्लेव का भी होना चाहिए, तो स्लेव के लिए आप रख सकते हैं सी कॉलन और बैक स्लैश और उसके बाद आप किस नाम से बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आप स्लेव के नाम से ही बना दें, स्लेव वन के नाम से आप इसको बना दें और इस तरीके से आप इसको बना दें, स्लेव वन डायरेक्टरी आप इसको कर दें। और इसको करने के बाद आप यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा लॉन्च एजेंट बाय कनेक्टिंग इट टू द मास्टर। तो इसकी जगह ना आपने करना है लॉन्च एजेंट वाया एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड ऑन द मास्टर, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखें लॉन्च कमांड पे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, अब मैं यहाँ नो लॉन्च कमांड आ रहा है तो यहाँ पे आप एक काम करें, आप एक कमांड दे दें, देखें यहाँ पे ना आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें तो ये कह रहा है एक कॉपी ऑफ एजेंट डॉट जार कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम हेयर, तो हमें इसे डाउनलोड करना पड़ेगा तो इसे क्लिक कर लें यहाँ पे, तो इसे लीव कर दें यहाँ पे, लीव कह रहा है, ये कह रहा है दिस फाइल हार्म तो इसे आप कीप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्की नहीं है। अब ये हमारा हो गया, अब ये कहाँ पे डाउनलोड हुआ, ये मेरे डाउनलोडेड में हुआ है, इसे आप शो इन फोल्डर करें तो देखें डाउनलोडेड में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, इसे आप यहाँ से राइट क्लिक करें माउस का, इसे यहाँ से आप कट कर लें और कट करके अपने सी ड्राइव में पेस्ट कर दें, सी ड्राइव में जाएं और यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी करके आप इसे पेस्ट कर दें, कंटिन्यू कर दें। तो मैंने एजेंट को यहाँ पेस्ट कर दिया, अब पेस्ट करने के बाद क्या करना है, दोबारा मैं जेनकिंस पे चलता हूँ और यहाँ पे अब मैंने लॉन्च कमांड में इसका पाथ डालना है कि मैंने ये कहाँ पे पेस्ट किया है, तो उसमें आपने लिखना पड़ेगा जावा स्पेस देके हाइफन जार स्पेस देके सी कॉलन बैक स्लैश और उसके बाद आप लिख दें एजेंट डॉट जार, यानी यही नाम जो आपने यहाँ दिया है, यानी मैंने उसको कुल मिला के क्या किया है, मैंने रास्ता बता दिया है कि भैया आपका जो एजेंट है वो सी ड्राइव में पड़ा हुआ है एजेंट डॉट जार के नाम से। इसे करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, आप जस्ट इसे सेव पे क्लिक कर दें तो देखें ये आपका हो गया, लेकिन ये अभी क्रॉस दिखा रहा है यानी ये ऑफलाइन दिखा रहा है, आप इसे देखेंगे ना तो ये ऑफलाइन आ रहा होगा यहाँ पे, तो इसको करने का तरीका क्या, ये ऑनलाइन हो जाएगा, जस्ट आप इसे रिफ्रेश कर लें, देखें ये ऑनलाइन हो गया, तो ये ऑनलाइन हो गया। ऐसे ही आप एक और स्लेव बना लें, उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा न्यू नोड पे जाना है, न्यू नोड पे जाके अब की बार आप नाम दे दें स्लेव टू और यहाँ पर भी इसे परमानेंट एजेंट कर दें, या फिर देखें कॉपी एग्जिस्टिंग, पहले नहीं आ रहा था ये, अब ये आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक स्लेव बना हुआ है स्लेव वन के नाम से, तो आप इसको एग्जिस्टिंग से भी कॉपी कर सकते हैं, तो कॉपी एग्जिस्टिंग पे क्लिक करते हैं ताकि वही सारी सेटिंग आ जाएं। अब यहाँ पे जैसे ही आप एस एल ए करोगे ये अपने आप सर्च भी कर लेगा, स्लेव नहीं कर रहा, जस्ट अ मिनट आप कर रहा है, हाँ एस कैपिटल है, तो स्लेव वन आप कर दें और ओके कर दें, तो ये सारी सेटिंग वहीं से ले लेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी हमें अलग करनी पड़ेगी, तो स्लेव वन डायरेक्टरी जहाँ उसकी थी इसको स्लेव टू कर दें, क्योंकि ये स्लेव टू है तो इसकी डायरेक्टरी अलग क्रिएट होगी जैसा मैंने थ्योरी में बताया है। लेबल अभी देने की जरूरत नहीं है, लेबल क्यों देते हैं वो भी मैं अभी जस्ट आपसे डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे देखें लॉन्च कमांड आप यही रहने दें, सब कुछ यही रहने दें, अब कुछ आपको चेंज नहीं करना है और आप इसे भी सेव कर दें। अब आप बैक टू लिस्ट करें और देखिए आपका स्लेव वन स्लेव टू रेडी हो चुका है, ये दिखा रहा है कि भैया दोनों चीज़ें आपकी रेडी हो गई हैं।
अब आप बैक टू डैशबोर्ड जाएं। अब यहाँ पर ना आप कोई भी जॉब चला कर देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि मैवन जॉब आप रन करा लो, इसको आप बिल्ड करो, तो देखें ये अपने आप से किसी पे भी ले लेगा रैंडमली, मास्टर पे भी ले सकता है, स्लेव भी ले सकता है, ये काम कोई भी कर सकता है। अब तो अभी जैसे ये मास्टर ने किया है, तो अब मैं माई फर्स्ट जॉब कराता हूँ, इसको बिल्ड करता हूँ, तो ये भी मास्टर ने ले लिया। माई सेकेंड जॉब को बिल्ड करता हूँ, तो ये स्लेव वन या स्लेव टू कोई भी ले सकता है, मास्टर भी ले सकता है, स्लेव भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको करके देखते हैं डैव प्रोजेक्ट को, ये देखें डैव प्रोजेक्ट मेरा स्लेव वन ने ले लिया। तो ये काम यानी अब इसके हेल्पर हैं ये, तो अब ये भी इसकी मदद कर रहे हैं मास्टर की कि भैया आप सारा काम क्यों कर रहे हो, कुछ हमें भी दे दिया करो करने के लिए। तो बहरहाल ले रहे हैं, स्लेव वन पे भी अभी हमारा गया था, आपने देखा भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि स्लेव वन स्लेव टू काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं वो भी काम, ठीक है। तो वो ये कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर कोई डैडी स्पेसिफिक काम है जैसे कि मैवन जॉब है, तो ये जॉब जो है मेरी ये कहाँ चलनी चाहिए, ये मेरी स्लेव वन पे ही चलनी चाहिए या स्लेव टू पर ही चलनी चाहिए, तो वो काम भी हम कर सकते हैं कि भैया स्लेव वन को ये काम करना है, होता है ना डेडिकेटेड कि भाई ये काम तो तुम ही करोगे, तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा, तो वो काम कैसे होगा ये अब देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले मैनेज जेनकिंस पे जाएं, अब यहाँ पे देखें आपको मैनेज नोट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे दोबारा क्लिक करें। अब यहाँ पे ना आप एक काम करें, यहाँ पे आप अपने स्लेव वन पे जाएं और इसके कन्फिगर पे क्लिक करें। अब इसके कन्फिगर में आके ना आपको देखो लेबल नज़र आ रहा है, इसके लेबल में सपोज आपने नाम दे दिया, मैं दे देता हूँ इसको नाम मैवन, मैंने इसको मैवन नाम दे दिया, या मैंने इसको नाम दे दिया प्रेफरेंस, ये नाम दे दिया मैंने, प्रेफरेंस दे दी मैंने इसको, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, प्रेफरेंस देके मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं बैक टू लिस्ट जाता हूँ, अब यही काम मैंने क्या करना है, मैंने मेरी मैवन जॉब पे जाना है, क्योंकि मैवन जॉब मैं करवाना चाहता हूँ इसलिए वन से, तो मैं मैवन जॉब पे जाऊँगा, यहाँ पर इसके कन्फिगर में जाऊँगा, और यहाँ पे आपको आ रहा होगा रिस्ट्रिक्ट वेयर दिस प्रोजेक्ट कैन बी रन, यानी ये एक ही जगह चलना चाहिए, जहाँ कहाँ चलना चाहिए, जहाँ प्रेफरेंस लिखा हो। तो देखें ये आ गया प्रेफरेंस, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, गलत होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मैंने प्रेफरेंस दे दिया, देखें ये क्या कह रहा है, लेबल प्रेफरेंस मैचेस वन नोड, ये कह रहा है कि ये एक नोड के साथ मैच कर रहा है, कौन सी नोड है वो स्लेव वन है हमारी, तो स्लेव वन को भी मैंने प्रेफरेंस लेवल दे दिया, इसको भी। अब दोनों को प्रेफरेंस लेवल देने के बाद मैं सेव कर रहा हूं, सेव हो गया। अब बैक टू डैशबोर्ड करता हूं, अब जैसे ही मैं मैवन जॉब को बिल्ड करूंगा, ये कहां पे बिल्ड होगा, स्लेव वन पे होगा, क्यों, क्योंकि इसका लेबल उसके लेबल के साथ मैच कर रहा है। तो मैं मैवन जॉब को बिल्ड नाउ करता हूं, आप देखिए स्लेव वन अपने आप काम करने लगेगा, ये देखें इसलिए वन काम कर रहा है। तो इस तरीके से जेनकिंस में ये छोटे छोटे काम हैं जो मैंने आपको करके दिखाए हैं, बहुत कुछ है जेनकिंस में, लेकिन पिछले दो तीन लेक्चर्स में कोशिश यही की है कि ओवरऑल आपको जेनकिंस का सिनेरियो समझ आ जाए, जेनकिंस में कैसे काम किए जाते हैं, कैसे यूज़र बनाए जाते हैं, कैसे उनको काम असाइन किए जाते हैं, कैसे मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, देखिए स्लेव वन ये काम कर रहा है। तो आई होप ये सारी चीज़ें जेनकिंस की आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई मसला नहीं होगा। अभी जस्ट जेनकिंस के छोटे छोटे हिस्सों में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जेनकिंस काम कैसे करता है। इसके बाद एक पूरा डिटेल में प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग अगले आने वाले लेक्चर्स में, और उसमें पूरे प्रोजेक्ट में मैं आपको CI/CD पाइपलाइन पे काम करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले क्योंकि जेनकिंस की बुनियादी बातें ज़रूरी थी तो वो मैंने करके दिखाई हैं, और होपफुली अगले लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से ये भी कह रहे हैं कि सर आपने विंडोज़ पे करके दिखाया है, हमारे में एरर आ रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन में लिनक्स पे काम होता है या उबुंटू पे काम होता है, तो उस पे भी इसे इंस्टॉल करके दिखाएं। तो आई विल ट्राई अगले वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये भी करके दिखाऊं कि जेनकिंस उबुंटू पे कैसे इंस्टॉल होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो उबुंटू में या किसी भी मशीन पे, लिनक्स मशीन पे कैसे ये इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, अगले लेक्चर में एक अलग से लेक्चर इस चीज़ का भी बनाऊंगा। सो डोंट वरी, आपको विंडोज़ पर भी जेनकिंस पे काम करना आ जाएगा और लिनक्स पे भी काम करना आ जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। तो आई होप यार आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा आपको जेनकिंस को पढ़ने में, और जेनकिंस की ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, तो आपको अब काफी हद तक जेनकिंस पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगली वीडियो में उबुंटू के ऊपर भी जेनकिंस को इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना जरूर सिखाऊंगा, और उसके बाद डेवऑप्स का एक प्रोजेक्ट भी हम करके देखेंगे। और चलिए बात को अब किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। एक शेर मुझे ये याद आता है कि तुझको मेरी
ना मेरी तुझे खबर जाएगी, तुझको मेरी ना मेरी तुझे खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पांव गुजर जाएगी। टकटकी बांध के मैं देख रहा हूं जिसको, टकटकी बांध के मैं देख रहा हूं जिसको, ये भी हो सकता है वो सामने बैठा ही ना हो। एक शेर ये याद आता है कि वो मुझसे अपना पता पूछने को आ निकले, वो मुझसे अपना पता पूछने को आ निकले, जिनसे मैंने खुद अपना सुराग पाया था। और आखिर में बस गालिब के इसी शेर के साथ अलविदा चाहूंगा कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।